हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आज की इस वीडियो में जानने वाले हम लोग कि वृषण की संरचना, जी हां, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यानी कि वृषण की संरचना किस प्रकार से होता है और आपको कैसे इसमें पॉइंट में लिखना है, वो भी सरल तरीके से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम भाई साहब हर साल पूछा जाता है। तो सोचिए, जो प्रश्न हर साल पूछा जाता है तो क्यों ना हम लोग उसे टारगेट करके पढ़ लें। और मैं एक छोटे से छोटे टॉपिक, बड़े से बड़े टॉपिक, हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मिश्री माध्यम से। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और जो भी नोट्स पीडीएफ रहेगा वो मिलता है टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो जाइए चेकआउट कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट और ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारा चीज मिल जाएगी और वहां से आप लोग सारी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे वृषण की संरचना। सबसे पहले बताइए कि वृषण कहाँ पाया जाता है। तो जो वृषण होता है यह मेल में पाया जाता है या फीमेल में, तो जाहिर सी बात है यह मेल कैंडिडेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, शरीर के बाहर पाया जाता है। कितने जोड़ी पाया जाता है, एक जोड़ी पाया जाता है। एक जोड़ी का मतलब है ये दो होते हैं, ठीक है ना, एक जोड़ी मतलब दो होते हैं, यानी कि दो होते हैं, एक आपका होता है, दो पाए जाते हैं, दो वृषण, ठीक है ना, लेफ्ट राइट दो होते हैं। ये कहाँ होते हैं, यह शरीर यानी कि उदर गुहा यानी कि दो पैरों के बीच में होते हैं, और ये किस पाए जाते हैं, मेल कैंडिडेट में। अब आपके मन में आता होगा सवाल कि सर हमारे शरीर में वैसे हर एक भाग अंदर होता है, लेकिन वृषण ऐसा क्या है सीन कि वो बाहर होता है। तो वृषण इसलिए बाहर होता है ताकि जो लैंगिक क्रियाएं हैं, जनन प्रक्रियाएं हैं, वो सुचारू ढंग से हो पाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब लैंगिक क्रियाएं की जाती हैं तो वहां पे क्या होता है, तो जब लैंगिक क्रियाएं की जाती हैं तो वहां पर होता है स्पर्म। स्पर्म का जो तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा लो होना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सीमित बनाए रखने के लिए जो टेस्टिस होता है वो शरीर से बाहर होता है, और टेस्टिस में क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और क्यों पाया जाता है, ताकि लैंगिक प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और टेम्परेचर बना रहे। किसका टेम्परेचर बना रहे, जो शुक्राणु का टेम्परेचर बना रहे, क्योंकि एक नियत टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये देखेंगे आज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बाहरी परत को देखेंगे। तो ये आपका जो है ना, इस बाहरी परत को, ये जो देखिए यहाँ पे गया हुआ है एक लाइनिंग, इस बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, यह वृषण कोष बोला जाता है। ये क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह कह सकते हैं, यह जो वृषण का सबसे बाहरी परत है वो है, ठीक है ना, वृषण का सबसे बाहरी परत है, ठीक है ना। लेकिन हमें इसे मतलब नहीं, हमें मेन जानना है। इसके नीचे देखेंगे तो एक यहाँ पे रेड कलर का है, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या, यहाँ पे एक रेड कलर का है, ये वाला यहाँ पे है। ये जो रेड कलर का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृषण कोष्ठ। क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है वृषण कोष्ठ का नाम देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, दो ठो रेड वाले हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वृषण कोष्ठ कहलाता है। इसको क्या नाम देते हैं, यह वृषण कोष्ठ आपका कहलाता है। आप देखिए, ये वृषण कोष्ठ है। अब ये जो सबसे बाहरी परत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सबसे बाहरी परत देखिए इसके जो यहाँ पे गई हुई है, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये देखिए जो डॉटेड लाइन है सबसे बाहरी की ओर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनेलिस बोला जाता है। और ये देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, जस्ट वेट, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से देखिए लाइनिंग बनी हुई है सब में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग बनी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरे रंग की लाइनिंग गई हुई है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। और ये ऊपर वाला अधिवृषण है, मध्य वाला इसको मध्यवृषण और नीचे वाला पुच्छ अधिवृषण बोला जाता है। ये क्या है, इसको हम लोग अधिवृषण का नाम देते हैं। और ये आपका क्या होता है, शुक्रवाहक होता है, जहां से शुक्राणु बाहर की ओर जाते हैं। ठीक नहीं, ऐसे क्या होते हैं, शुक्राणु बाहर की ओर जाते हैं। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे की ओर देखिए, इसमें देखेंगे दो से तीन, देखिए ब्लैक कलर की यहां पे नलिकाएं हैं, दो से तीन ये बैक ब्लैक कलर की जो नलिकाएं हैं वृषण कोष्ठ के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रजन नलिका होती हैं। क्या बोलते हैं, शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका कहां पे होती है, तो यह वृषण कोष्ठ के अंदर होती है। ये कितने होती है, तो यह दो से तीन होती है। शुक्रजन नलिकाओं की संख्या कितनी होती है, यह दो से तीन होती है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि शुक्रजन नलिकाओं की संख्या कितनी होती है, दो से तीन होती है। कहां पाई जाती है, वृषण कोष्ठ के अंदर होती है। और यहां देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन करके है ना, आप देखिए डॉट डॉट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वृषण जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण जालक बोलते हैं। तो ये आपकी क्या है, यह वृषण की संरचना है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आपको पीडीएफ, इसका आपको फुल्ली कंप्लीटेड पीडीएफ कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। और टेलीग्राम का जो लिंक है कहां पे दिया गया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके चेकआउट कर लीजिए, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या होता है। ठीक ना, अभी हम लोग देख लिए, अब हम लोग एक एक करके पूरा पूरा इसको पढ़ लेते हैं। क्लियर है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, सर दिक्कत हो रही है। सबसे पहला है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, वो पढ़ते हैं ट्यूनिका वेजाई नेलिस। ये ट्यूनिका वेजाई नेलिस क्या होता है, किसे कहते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, वृषण के सबसे बाहर पाए जाने वाला आवरण जो दो परतों के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइन नेलिस कहते हैं। और यह कितने होती हैं, दो होती हैं, एक पेराइटल और दूसरा विसरल पेरिटोनियम। ये कितनी होती हैं, यह दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका पेराइटल और दूसरा जो होता है वो होता है विसरल पेरिटोनियम होता है। तो ट्यूनिका वेजाइनियलिस, ट्यूनिका वेजाइनियलिस देखिए यहाँ पे ना, ये कितने होती है, ये दो परतों के रूप में होती हैं। पहला आपका क्या होता है, पेराइटल और दूसरा क्या होता है, विसरल पेरिटोनियम। ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है इसमें देखिए, वो क्या आता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यह वृषण की आंतरिक परत है जो संयोजी ऊतक से निर्मित होती है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहाँ पे है, यहाँ पे है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखिए यहाँ पे बनी हुई ना, ये किससे बनी होती है, ये संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। ये किससे मिलकर बनी हुई, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये जो बना हुआ है संरचना बाहर की ओर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह किससे मिलकर बनी होती है, यह संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है। सब पॉइंट वाले हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही स्टार पॉइंट वाले हैं, आप इसको स्टार पॉइंट में लगा लेंगे। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर वलयित होती है, वलयित वलयित मतलब क्या होती है, घुमावदार होती है, जिससे वृषण में अनेक कोष्ठ बन जाते हैं और इन्हीं को हम लोग वृषण कोष्ठ कहते हैं। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, यह किस प्रकार हो जाती है, यह अंदर की ओर वलयित हो जाती है और इसके द्वारा ही वृषण कोष्ठ का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि अनेक कोष्ठक बनाते हैं वृषण के अंदर और उसे हम लोग वृषण कोष्ठ नाम देते हैं। तो सबसे पहला ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यह कहाँ होती है, यह वृषण की एक आंतरिक परत है जो संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर क्या होती है, वलयित, वलयित मतलब घुमावदार होती है, और जिसके कारण वृषण के अंदर क्या हो जाते हैं, अनेक कोष्ठकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जब अनेक कोष्ठकों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या बन जाते हैं वहां पे, जिसके कारण वृषण कोष्ठ निर्मित हो जाते हैं। तो
ब्रिशर कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं? तो ब्रिशर कोष्ठ का निर्माण टिन्यूका एल्बुजिनिया के द्वारा होता है। कब होता है? जब यह वलयित हो जाते हैं अंदर की ओर। कहां पे? वृषण के अंदर। क्लियर है। अगला देखिए पॉइंट में, अगला इनकी संख्या कितनी होती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा जाता है कि इनकी संख्या बताइए। तो प्रत्येक वृषण में वृषण कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। प्रत्येक वृषण में वृषण कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। अब कितने वृषण है? दो वृषण है, तो दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितने? 500। दोनों वृषण मिला के कितने वृषण कोष्ठ होते हैं? 500 होते हैं। ठीक है ना। अगले स्टार पॉइंट में देखिए क्या लिखेंगे। अगले स्टार पॉइंट में लिखेंगे, प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है और इस प्रकार एक वृषण में इनकी संख्या 500 से 750 होती है। कितनी होती है? 500 से 750। क्योंकि वृषण कोष्ठों की संख्या कितनी है? 250 है। इसमें क्या पाई जाती है? वृषण कोष्ठकों के अंदर शुक्रजन नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहां पर देखिए, तो यहां पाई जाती है शुक्रजन, शुक्रजन नलिका पाई जाती है। और कितनी शुक्रजन नलिका होती है? 1 से 3, 1 से 3 या 2 से 3 कर लीजिए, सही रहेगा। यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। यदि 2 पाई जाएंगी तो 250 में 2 का उड़ा कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया? 500 हो गया। यदि 3 पाई जाएंगी तो 250 में 3 से उड़ा कर दीजिए, टोटल कितना हो गया आपका? 750 हो गया। कितना हो गया? 750 हो गया, 750 हो गया। तो 2 से 3 पाई जाती है, यदि 2 पाई जाती है तो 500 होगी इनकी संख्या प्रत्येक वृषण में, अगर 3 पाई जाती है तो 750 होगा। ठीक है ना। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे स्टार पॉइंट में, हर एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। शुक्रजन नलिकाओं के बीच बीच में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है जिसे अंतराली ऊतक कहते हैं। अंतराली ऊतक कहाँ पाई जाती है? तो जो अंतराली ऊतक पाई जाती है, यह शुक्रजन नलिकाओं के बीच में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है। शुक्रजन नलिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अंतराली ऊतक कहते हैं। जैसे पेन होता है, तो पेन के अंदर एक राड पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफिल कहते हैं। और उस रिफिल के अंदर इंक पाया जाता है। उसी प्रकार जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, इसके बीच बीच में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है और इसे हम लोग अंतराली ऊतक का नाम देते हैं। यहां तक क्लियर है आपको सारी चीजें? फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे। शुक्रजन नलिकाएं आपस में एकत्रित होकर 20 से 30 नलिकाओं के रूप में एक सघन जाल का निर्माण करती हैं जिसे वृषण जालक कहते हैं। फिर यही जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, एक साथ क्या हो जाती है? एकत्रित होकर 20 से 30 नलिकाओं के रूप में क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण जालक बोलते हैं। तो वृषण जालक क्या होते हैं? शुक्रजन नलिकाएं ही एकत्रित हो जाती हैं। इनकी कितनी संख्या होंगी? 20 से 30 नलिका जब आपस में एकत्रित हो जाती है तो एक जालक बना लेती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण जालक कहते हैं। अब समझिए, जैसे धागा है, धागा को यदि इकट्ठा कर दिया जाए तो सेट बुन दिया जाता है। देखिए जो मेरा शर्ट है, इसको कैसे बुना गया है? इसमें धागे ढेर सारे लगे हुए हैं। उसी प्रकार जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, जब उनको आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है 20 से 30, तो वहां पे वृषण जालक का क्या करती है? निर्माण करती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे। वृषण जाल से लगभग 12 से 15 नलिकाएं निकलती है जो वृषण जालक से शुक्राणुओं को अधिवृषण तक पहुंचाती है जिसे शुक्रवाहिका कहती है। अब देखिए, अब यहां पे पॉइंट में देखिएगा, जो वृषण जालक होता है इससे ही 20 से 15 नलिकाएं निकलती है। किसे? वृषण जालक। वृषण जालक कब कब बना? जब जो शुक्रजन नलिकाएं हैं एकत्रित हो गई, जिनकी संख्या 20 से 30 थी, और फिर यह वृषण जालक का निर्माण की, और इसी से ही 12 से 15 नलिकाएं निकलती हैं जो वृषण जालक से शुक्राणुओं को अधिवृषण तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। तो शुक्रवाहिका कहाँ पर पाई जाती है? तो शुक्रवाहिका का काम होता है शुक्राणुओं को वृषण जालक से अधिवृषण तक पहुंचाना। शुक्राणुओं को अधिवृषण तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? शुक्रवाहिका कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए अगले स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे। अगले स्टार पॉइंट में लिखेंगे,
शुक्रवाहिका, उपवाहिका नलिकाएं होती, उपवाही नलिकाएं होती। उपवाही मतलब जो कि अंदर से बाहर की ओर लेके जाना, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो शुक्रवाहिका जो होती है एक अपवाही नलिकाएं होती हैं जो वृषण से बाहर की ओर शुक्राणुओं को ले जाती हैं। तो शुक्रवाहिका का काम क्या होता है? शुक्रवाहिका का काम होता है वृषण से शुक्राणुओं को बाहर की ओर लेकर जाना, वृषण को शुक्राणुओं से बाहर की ओर लेकर जाना। किसका काम होता है? यह काम होता है शुक्रवाहिका का। शुक्रवाहिका क्या? एक अपवाही नलिका है। इतनी चीज आपको समझ आई ना? हर एक चीज पॉइंट नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे? अगले स्टार पॉइंट में देखिए, वृषण जालक का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का संग्रहण और पोषण प्रदान करना होता है। ट्यूनिका वेस्कुलेरिस वृषण कोष्ठ में भित्ति की ओर टुकड़ों में पाई जाती है, या फिर आप कह सकते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच बीच में पाई जाने वाली वृषण की तीसरी परत ट्यूनिका वेस्कुलेरिस कहलाती है। ट्यूनिका वेस्कुलेरिस क्या होती है? जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है इसके बीच बीच में एक तीसरी परत पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेस्कुलेरिस कहते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गया। एक चीज और, सरटोली कोशिका। ये सरटोली कोशिका क्या है भाई साहब? सरटोली कोशिका क्या, यही नोट कर लीजिए। यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करती है? सरटोली कोशिकाएं। ये देखिए जो शुक्रजन नलिकाएं, ठीक है ना, इन्हीं में क्या पाई जाती है? सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये आप लास्ट में पॉइंट में लिख सकते हैं, सरटोली कोशिकाएं क्या होती है? सरटोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक चीज को क्लियर कर दिया पूरा का पूरा। किसको क्लियर किया है? वृषण की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। कोई अगर मिस्टेक है छोटा सा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, हम उसका पूरा का पूरा सुधार करेंगे। इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नाम क्या है? एसके मिश्री। और जो बच्चे बैचेस को ज्वाइन किए वो अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए और मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।